सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालकॉम के एक प्रोसेसर उन लोग ने, या फिर उन लोग जैसे बोलते हैं गेमिंग डेवलपमेंट किट एक लाया हुआ है, जिसके अंदर एक स्पेशली प्रोसेसर क्वालकॉम ने डिजाइन किया हुआ है जो कि सिर्फ हैंड इन डिवाइसेस के लिए यूज होने वाले हैं। और उन लोग ने रिसेंटली रेजर के साथ में टाई अप किया हुआ है जो कि गेमिंग डिवाइसेस या फिर गेमिंग कीबोर्ड्स माउस वगैरह बनाता है, हेडफोन्स भी आते हैं उनके साथ टाई अप करके डिवाइस जो है वो डेवलप किया हुआ है। जो डिवाइस है वो उन लोग बोल रहे हैं कि एक गेमिंग हैंडहेल्ड डिवाइस है और वो उसको एक डेवलपमेंट किट के नाम से बुला रहे हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। आपको अगर याद होगा तो मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि स्टीम जो है वो भी एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, वो लेके आने वाले हैं, पर इंडिया में तो आना बहुत मुश्किल है। ये भी डिवाइस का सेम सीन है, इंडिया में आना बहुत मुश्किल है। पर ऑब्वियसली जैसे निंटेंडो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी निंटेंडो यहाँ पे इंपोर्ट करवा के आपको अलग अलग दुकानों पे मिल जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ भी हो सकता है, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ आइडिया नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो सकता है। और क्या पता अगर इन लोगों को ऐसे लगा कि इंडियन ऑडियंस भी इसमें इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वो लॉन्च हो सकता है। तो चलिए आज इसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है जो कि स्टीम हैंडहेल्ड डिवाइस जो गेमिंग डिवाइस है, तो आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो करंटली अगर मार्केट में देखा जाए तो हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो है वो सिर्फ निंटेंडो ही है और दूसरा स्टीम आने वाला था पर अभी तक वो आया नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में और भी शायद से है, पर इंडियन मार्केट में अगर ज्यादा करके बात करें तो स्टीम डेक के बारे में बात हुआ था और निंटेंडो के बारे में बात होता है। इंडिया में तो निंटेंडो स्विच जो है वो निंटेंडो की तरफ से ऑफिशियली बेचते नहीं है, पर जो यहाँ पे रिटेलर्स है या होलसेलर है वो बाहर से इम्पोर्ट करवा के यहाँ पे बेचते हैं, तो वो सीन यहाँ पे होता है। पर अभी देखने वाली बात यही रहेगी कि ये भी डिवाइस जो रहेगा हैंडहेल्ड डिवाइस रहेगा वो इंडिया में कैसे आएगा। पर कोई बात नहीं, हम लोग आज इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या गेम्स आप इसमें खेल सकते हैं और क्यों ये बाकी सारे हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो है गेमिंग के उससे डिफरेंट क्यों है, ऑल्सो ये चीज़ क्यों है, मतलब गेमिंग हैंडहेल्ड डिवाइसेस की क्या जरूरत है जबकि आपके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन इतने पावरफुल है, और ये क्वालकॉम की तरफ से आ रहा है और ये क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी क्वालकॉम जो है वो प्रोसेसर स्मार्टफोन्स के लिए बनाता है और उनके प्रोसेसर इतने पावरफुल हो गए कि इनके अगर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स अगर लेते हो, मतलब जो प्रोसेसर फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यूज होता है, तो डेफिनेटली उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप नॉच होता है। तो क्यों ये डिवाइसेस अलग से लेके आ रहे हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइस आपको मैंने बताया, आज हम लोग एक गेमिंग हैंडहेल्ड डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि क्वालकॉम की तरफ से आने वाला है। हालांकि क्वालकॉम जो है इसको एक डेवलपमेंट किट बोल रहा है, मतलब गेमिंग डेवलपमेंट किट बोल रहा है जो कि हेल्प करेगा जो गेम डेवलपर्स है उनको इसके ऊपर गेम्स डिजाइन करने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हर एक स्क्रीन साइज और हर एक प्रोडक्ट जो है उसके लिए गेम्स को ऑप्टिमाइज होना पड़ता है। अगर ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा तो वो गेम आप उस पर नहीं खेल सकते हो। तो डेफिनेटली ये जो डिवाइस वो लेके आने वाले हैं उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्वालकॉम ने रेजर के साथ में टाइप करके ये हार्डवेयर तो बना दिया, जो हार्डवेयर है उसके अंदर जो स्पेशली डिजाइन किया हुआ चिपसेट लॉन्च किया हुआ है वो है 8th जनरेशन का स्नैपड्रैगन का, जिसका नाम है G3X Gen 1, और ये स्पेशली हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए ही बनाया जाने वाला है। ये बात करते हैं अभी ये क्वालकॉम का ये स्नैपड्रैगन G3X Gen 1 ये क्या है, गेमिंग प्लेटफॉर्म ये क्या है, ये एक हार्डवेयर बनाया हुआ है या फिर हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल बनाया हुआ है जैसे निंटेंडो स्विच वगैरह होता है या स्टीम डेक आपने सुना होगा वैसे बनाया हुआ है। पर ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें आप सारे गेम्स खेल सकते हो, इंक्लूडिंग आपके एंड्रॉयड फोन्स के गेम्स, कंसोल के गेम्स और पीसी के गेम। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक इंटरेस्टिंग कंसोल होने वाला है। को थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मैंने इंट्रो में बता दिया कि अगर स्मार्टफोन में सारे चीज़ें हैं तो ये सेपरेटली एक हैंडहेल्ड कंसोल की क्या ज़रूरत है, तो आपको मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे मैंने आर्टिकल में भी पढ़ा हुआ है। वो आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर मार्केट शेयर या फिर रेवेन्यू वाली चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। तो रेवेन्यू की बात करें तो इन लोग ने ऐसे ऑब्जर्व किया हुआ है, मतलब क्वालकॉम ने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि 2.5 बिलियन का मोबाइल गेमिंग मार्केट है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो, और उसमें अगर कंबाइंड रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो मोबाइल पीसी एंड कंसोल गेमिंग जो है वो 175 बिलियन डॉलर
पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट होता है, और इसमें से आधा तो रेवेन्यू जनरेट होता है वो स्मार्टफोन गेमिंग या मोबाइल गेमिंग से होता है। मतलब 90 to 120 billion dollars जो है वो सिर्फ स्मार्टफोन या मोबाइल गेमिंग से होता है। ऑल्सो यहाँ पे उन लोग ने फिल्म इंडस्ट्री को इसको कंपेयर करके बताया हुआ है, मतलब 2020 का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था फिल्म इंडस्ट्री का वो 45 billion dollars का हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि 45 billion dollars कहाँ पे और 175 billion dollars कहाँ पे, मतलब इट्स अ ह्यूज मार्केट। मतलब मोबाइल गेमिंग जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है और ऑब्वियसली एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेगमेंट है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ये कंपनीज की तरफ से तो है ही, प्लस एज अ यूज़र या फिर कंटेंट क्रिएटर या फिर गेमर सबके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको पता है यहाँ पे ये वीडियो से आपको और भी बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अभी कौन से फील्ड में आपका जो है वो करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल गेमिंग जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन रहा है। तो इसके अंदर इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेंगी, गेम डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, हार्डवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, गेमर तो ऑब्वियसली है, कंटेंट क्रिएटर्स भी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो फील्ड्स हैं वो इसके अंदर जो है ओपन होने वाली है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये इतने 170 billion dollars का बता रहे हैं, पर ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा। और मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि स्मार्टफोन जो है वो अभी बहुत लोगों के पास आ रहे हैं, पीसी से ज़्यादा स्मार्टफोन या फिर जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच रही है। तो ऑब्वियसली पीसी से ज़्यादा ये मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है, तो आपको वो डायरेक्शन में थिंक करना पड़ेगा। तो रेवेन्यू जनरेशन की बात होने के बाद में अभी हम लोग सीधा आते हैं ये डिवाइस के ऊपर जो क्वालकॉम ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेक्स या फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो डिवाइस इन लोग डिज़ाइन किया हुआ है रेजर के साथ में, इसके अंदर आपको जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू जो यूज़ किया हुआ है वो एड्रिनो का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपको 144 FPS जो है वो मैक्सिमम मिल सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले है वो 10 bit का HDR गेमिंग को सपोर्ट करता है विथ अ बिलियन शेड्स ऑफ कलर्स। ऑल्सो इसके अंदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस के लिए वाईफाई 6 का यूज़ किया है, जो कि एनेबल करने के लिए उन लोगों ने क्वालकॉम का खुद का फास्ट कनेक्ट 6900 मोबाइल कनेक्टिविटी चिप जो है वो यूज़ किया हुआ है, जिसके हेल्प से आपको वाईफाई 6 और 6E मिलने वाला है, जो कि आपको लो लेटेंसी फास्ट अपलोड्स एंड डाउनलोड मिलने वाला है। ऑब्वियसली इसके अंदर आप क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हैं। इंडिया में हालांकि इतना ये फेमस नहीं है, पर इंटरनेशनली ये बहुत फेमस है, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा कनेक्टिविटी चाहिए रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्वालकॉम का फास्ट कनेक्ट 6900 यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर आपको 5 mm वेव एंड सब 6 टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, जो कि आपको अल्ट्रा फास्ट एंड लैग फ्री क्लाउड गेमिंग वाइल स्ट्रीमिंग हेल्प करने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रीमिंग भी अगर आप करते हो, ऑल्सो क्लाउड गेमिंग भी करते हो, तो आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके लिए ये सारे टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है। मोस्ट बैंडविड्थ इंटेंसिव गेम जो कि आप क्लाउड गेमिंग पे खेलेंगे, या आपके पास एक्सबॉक्स का क्लाउड गेमिंग हो या स्टीम का जो रिमोट प्ले होता है वो भी खेलने के लिए आपको ज़्यादा बैंडविड्थ लगता है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन होने वाला है। साउंड की बात करें तो यहाँ पे उन लोगों ने और एक चिप यूज़ किया हुआ है, जो कि स्नैपड्रैगन साउंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया है, जिसके अंदर आपको हाई क्वालिटी ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड क्वालिटी, मतलब गेम के साथ ऑप्टिमाइज्ड क्वालिटी रहेगा विथ लो लेटेंसी एंड रोबस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलने वाला है। मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो उसमें लेटेंसी आ रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्नैपड्रैगन ने खुद से एक चिप डेवलप किया हुआ है साउंड टेक्नोलॉजी के लिए। ऑल्सो टच कंट्रोल्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे AKSYS सिस्टम का यूज़ किया हुआ है, जो कि टच कंट्रोल्स और इनबिल्ट जो कंट्रोलर्स ये डिवाइसेस में दिए हुए हैं, बटन्स हो या थंबस्टिक्स हो, उनको प्रॉपरली प्रिसाइजली ऑप्टिमाइज कर देगा। यहाँ पे जैसे निंटेंडो स्विच में आपको पता होगा कि आप लार्जर डिस्प्लेस पे उसको कनेक्ट करके भी खेल सकते हो, तो वो भी यहाँ पे इन लोग ने पॉसिबल किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ टाइप सी USB पोर्ट। यहाँ पे बताया हुआ है कि आप मल्टी स्क्रीन गेमिंग भी कर सकते हो, प्लस आप बड़े स्क्रीन को भी इसको अटैच करके USB पोर्ट से गेमिंग जो है कर सकते हो। ऑल्सो ये AR और VR टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करेगा, और फ्यूचर में अगर ग्लासेस आते हैं, मतलब यहाँ पे XR टेक्नोलॉजी बताया हुआ है, तो वो भी इसको सपोर्ट करेगा। ऑल्सो ये 4K डिस्प्ले भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आप अगर 4K डिस्प्ले को भी ये हैंडल डिवाइस को कनेक्ट करते हो USB
टाइप सी पोर्ट से तो भी ये प्रॉपरली चलने वाला है, मतलब इसका रेजोल्यूशन जो है फटेगा नहीं। और स्क्रीन साइज की बात करें तो यहाँ पे 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले होने वाली है, जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले आपको देने वाली है। और ऑपरेटिंग तो रहेगा ये डिस्प्ले का वो 120 हर्ट्ज का रहने वाला है। ऑल्सो आपको रिफ्रेश रेट गेम में 144 हर्ट्ज का मिलने वाला है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट एक फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस आप स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब गेम्स जो आप ये डिवाइसेस पे खेलोगे वो आप स्ट्रीम भी करना चाहते हो तो उसमें आप आपका फेस कैम इसी डिवाइस से कर सकते हो। मतलब आप कहीं पे भी ट्रैवल भी अगर कर रहे हो तो आप गेमिंग करते करते ट्रैवल कर सकते हो, या गेम खेल खेलते आप ट्रैवल कर सकते हो विथ फेस कैम। तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया हुआ है, जो कि 1080p 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड जो है वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हालांकि जब एक्चुअल में इसका लॉन्च होगा या फिर डेवलपर्स इसके साथ गेम्स डेवलप कर रहे हैं उसके साथ जब ये एक्चुअल मार्केट में आ जाएगा तो और भी डिटेल में इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके अंदर 4 स्पीकर्स भी दिए हुए हैं, जो कि आपको क्रिस्टल क्लियर ऑडियो देने के लिए हेल्प होने वाला है। तो इसका मतलब है अभी अगर आप एक गेमर हो तो आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक ऐसे हैंडहेल्ड डिवाइस लेते हो जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से आएगा तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस, कंट्रोल एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस गेम का मिलने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज जो है वो बहुत सारे फीचर्स जो प्रोसेसर्स में होते हैं वो डिसेबल कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनको वो टेक्नोलॉजी को एनेबल करने के लिए क्वालकॉम को रॉयल्टी फीस पे करनी रहती है। तो वो लोग अगर बजट में या फिर एग्रेसिव प्राइस में अगर स्मार्टफोन लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ कुछ फीचर्स जो है वो यहाँ पे डिसेबल किए जाते हैं, क्योंकि उसके रॉयल्टी फीस जो है वो ये ब्रांड्स क्वालकॉम को नहीं देते हैं। उनको वो बोलते हैं कि ये सारे फीचर्स आप कट डाउन कर सकते हो और जो रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होगा, जो भी क्वालकॉम चाहेगा ये स्पेशली डिज़ाइन चिपसेट्स में जो भी फीचर्स गेम्स के लिए रिक्वायर्ड है वो जो भी डालने की सोचेगा वो सारे फीचर्स आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्मार्टफोन में फ़ीचर्स आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे वो सारे फ़ीचर्स आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंट चीज़ होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। क्या लगता है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो इसके अंदर गेम डेवलपर्स को ऑप्शन है, जैसे अगर आप PS के कंट्रोलर में देखोगे हैप्टिक फीडबैक आता है, अलग अलग इंटरेस्टिंग हैप्टिक फीडबैक आता है कंट्रोलर में, वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे विथ टच एंड इनबिल्ट कंट्रोलर्स के साथ हैप्टिक फीडबैक जो है आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। मतलब अलग अलग गेम्स के हिसाब से अलग अलग फीडबैक्स आपको मिलेगा, तो गेम का एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी इमर्सिव और इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटिंग होने वाला है। ऑल्सो बैटरी की बात करें तो यहाँ पे मैंशन है कि 6000 mAh की बैटरी यहाँ पे दी गई है, जो कि आराम से आपको 2-3 घंटे का गेम प्ले तो दे ही पाएगी। बाकी जब लॉन्च होगा तभी पता चल जाएगा। चार्जर के बारे में यहाँ पे कुछ मैंशन नहीं किया हुआ है, फास्ट चार्जर रहेगा स्लो रहेगा क्या कुछ आइडिया नहीं है, पर डेफिनेटली 6000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि आपको टिक टॉक गेमिंग करवा सकती है। आई होप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी ऐसे वीडियोज आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ऑल्सो आपके फ्रेंड्स के साथ में भी ये वीडियोज को जरूर शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में जो भी आपका सजेशन है, ओपिनियन है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आता है वो आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने को अच्छा लगता है और मेरे को भी एक आइडिया आ जाएगा कि आप भी ये डिवाइस के बारे में क्या सोचते हो। हालांकि इंडिया में लॉन्च होना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर इंटरनेशनली भी लॉन्च होता है और इंडिया में अगर लोग इम्पोर्ट करते हैं जैसे निंटेंडो होता है तो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है। बाकी आपको जैसे पता है हर वीडियो को हम लोग लाइक एम भी रखते हैं, तो 100 लाइक्स का एम ये भी वीडियो के डेफिनेटली उसको करवा देना। और चैनल को अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड सपोर्ट कुछ भी नहीं है ये चैनल को, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अफिलेट लिंक्स जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वाव स्किन साइंस, मामा अर्थ, ऑल्सो रिसेंटली अप स्टॉक्स के साथ भी हम लोग ने टाइप कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उसी से क्लिक करके अकाउंट ओपन करना है या जो भी आपको शॉपिंग करना है अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह साइट से वहाँ से करना, डायरेक्टली वेबसाइट्स पर मत जाना, मेरे लिंक से जाना, ताकि फाइनेंशियली चैनल को हेल्प हो जाए।
जाएगा। ऑल्सो अपस्टॉक्स में कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, जैसे फ्री में तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, ऑल्सो आपको ट्रेडिंग का एक्स्ट्रा कुछ 1000 रुपीज भी शायद से मिल रहा है। जरूर चेकआउट करना, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखोगे ऑफर चेंज हुआ रहेगा, तो जब भी आप साइन अप करोगे तब जरूर चेक कर लेना क्या ऑफर चल रहा है। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।